दोस्तों, अगर हमें ये पता चल जाए कि एक क्लाइंट जो है वो जब फोटोग्राफर को हायर करता है तो वो उसमें क्या चीज़ देखता है, यानी कि किस बात से वो इम्प्रेस होके या किस चीज़ से जो है वो प्रभावित होके या किस चीज़ से उसको ऐसा लगता है कि मुझे इसी फोटोग्राफर को हायर करना चाहिए, अगर मान लीजिए आपको ये बात पता चल जाए तो डेफिनेटली जो है आपको ज़्यादा असाइनमेंट मिलेंगे, आपको अपने क्लाइंट्स को इम्प्रेस करना थोड़ा आसान होगा और ज़्यादा से ज़्यादा बिज़नेस आप जो है वो अचीव कर पाएंगे। तो इस वीडियो को सभी बिगनर फोटोग्राफर्स एंड तक ज़रूर देखिए। तो एक बात आज मैं इस वीडियो के अंदर बहुत ही आपको आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूँगा कि आखिर एक क्लाइंट जो है वो एक फोटोग्राफर में क्या देखता है। सो वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स, दिस इज मनीष सक्सेना। आइए शुरुआत करते हैं। अब दोस्तों, होता ये है कि बहुत सारे फोटोग्राफर्स हैं, उन्हें लगता है कि वो एक बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं और उन्हें फोटोग्राफी बहुत अच्छी आती है, बट वो अक्सर कंफ्यूज होते हैं जब उनको बात आती है फोटोग्राफी बिज़नेस की। तो कई बार क्लाइंट एक अच्छा खासा आप उसको प्रेजेंटेशन देते हो, अपने क्लाइंट को आप हर तरह से उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करते हो, लेकिन होता ही है कि वो आपको फिर भी हायर नहीं करता और वो किसी एक ऐसे फोटोग्राफर को हायर कर देता है जो आपके हिसाब से वो आपसे अच्छा नहीं है या उसको उतनी फोटोग्राफी नहीं आती जितनी आपको आती है। तो आप सब ने ये चीज़ें कई बार फील की होंगी इस बिज़नेस के अंदर कि यार मुझे अच्छी फोटोग्राफी आती है फिर भी मुझे क्लाइंट्स इतना हायर नहीं करते जबकि दूसरा फोटोग्राफर उसको इतना काम मिलता है। तो भाई ये एक्चुअल में ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ मैं आपको दोस्तों एक चीज़ बता दूँ कि जब भी कोई क्लाइंट एक फ़ोटोग्राफ़र को हायर करता है तो सबसे पहली चीज़ वो एक फ़ोटोग्राफ़र में क्या देखता है, वो ये देखता है कि क्लाइंट जो भी अपना असाइनमेंट आपसे करवाना चाहता है उसको लेके उसके कुछ इमेजिनेशंस होते हैं, उसकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, कुछ उसका एक उसके दिमाग में एक जो है एक ड्राइंग सी बनी होती है कि मुझे ना इस तरह के पिक्चर्स चाहिए, मुझे मेरा असाइनमेंट जो है इस तरह का होना चाहिए और इस तरह के पिक्चर्स मुझे चाहिए। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि जब एक फोटोग्राफर उसको प्रेजेंटेशन देता है तो वो अपने हिसाब से यानी कि अपनी जो उसने चीज़ें की हैं वो ज़्यादा बताता है कि भाई मैं ऐसे करता हूँ, मैं ऐसा क्रिएटिव हूँ, मैंने ये काम किया है, मैंने वो किया है। तो यहाँ पर दोस्तों वो चीज़ बुरी नहीं है जो आप उनको बता रहे हो, बट आपको एक बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअल में क्लाइंट है वो क्या चाह रहा है। तो यहाँ पर आपको एक बात को डेवलप करना पड़ेगा, वो ये कि जब भी आप किसी भी क्लाइंट से मिलें तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप उसको सुनें। तो आपको हमेशा अपने क्लाइंट को पहले अच्छे से सुनना चाहिए, उसके बाद आपको बोलना चाहिए। अगर आप पहले से ही बोलना चालू कर देंगे, पहले से ही अपनी तारीफ़ करना, अपने काम के बारे में बताना कि आप भाई कितने बड़े फ़ोटोग्राफर्स हैं, कौन से गियर्स यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ शूट करते हैं, तो ये एक अच्छी अप्रोच नहीं है। पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट क्लाइंट इज़ एग्जैक्टली लुकिंग फॉर। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, हर क्लाइंट के दिमाग में एक इमेजिनेशन होती है कोई भी फ़ोटोशूट को लेके, और वो चाहता है कि फ़ोटोग्राफ़र जो है उसकी इमेजिनेशन को फुलफ़िल करे, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर एक जो स्मार्ट फोटोग्राफ़र है वो क्या करता है कि पहले क्लाइंट को अच्छे से सुनता है, वो जज करता है कि क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस क्या है, क्लाइंट के दिमाग में किस तरह की पिक्चर डेवलप हो रही है फ़ोटोशूट को लेके, वो किस तरह की पिक्चर्स को शूट करवाना चाह रहा है, क्या चाह रहा है वो फ़ोटोशूट के अंदर। और फिर क्लाइंट उन सब बातों को जो है कभी नो नहीं बोलता, वो बोलता है क्लाइंट को बिल्कुल सर आप जो चाह रहे हैं हम उसको अचीव करेंगे, लेकिन साथ साथ में फ़ोटोग्राफ़र अपने भी इनपुट्स देना चालू करता है। मान लीजिए क्लाइंट ने कोई एक इमेजिनेशन कर रखी कि भाई इस तरह का फ़ोटोशूट होना चाहिए और एज अ फोटोग्राफ़र आपको लग रहा है कि भाई इस तरह का फ़ोटोशूट तो होगा लेकिन इस तरह के पिक्चर्स को अचीव करने के लिए खर्चा बहुत आएगा, मसलन लोकेशंस बहुत महंगी पड़ जाएंगी या जहाँ पर हमें जाके शूट करना है इस तरह के पिक्चर्स के लिए वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा या फिर ओवरऑल उस तरह की पिक्चर्स के लिए आपको काफ़ी सारे प्रोडक्शन वाला सामान लगेगा, यानी कि हाई प्रोडक्शन वाले शूट होंगे तो उतना क्लाइंट का बजट है या नहीं। तो इन सब बातों को दोस्तों आपको एक बहुत अच्छे से बैलेंस बनाना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा उन्हें कि भाई ठीक है आपकी इमेजिनेशन अच्छी है लेकिन इस इमेजिनेशन को फुलफ़िल करने के लिए भैया ये पूरी लिस्ट है जिसका भी हमें ध्यान रखना है। इससे एक क्लाइंट को पता चलता है कि फ़ोटोग्राफ़र के दिमाग में क्लैरिटी है आपके असाइनमेंट को लेके, उसे पता चलता है कि फ़ोटोग्राफ़र एक कंप्लीट नॉलेजेबल है और उसे सब चीज़ के बारे में पता है। अब फोटोग्राफ़र जब अच्छे से समझाता है तो क्लाइंट को भी इस बात का समझ आता है कि भाई अगर मुझे इस तरह के जो भी दिमाग में उसकी एक्सपेक्टेशंस है उस तरह की पिक्चर्स चाहिए तो ये सारा प्रोडक्शन का खर्चा आने वाला है। तो अगर क्लाइंट उससे इंप्रेस होता है उसकी प्लानिंग से किस तरह से वो सारी शूट को एग्जीक्यूट करने वाला है तो डेफिनेटली वो फोटोग्राफ़र को हायर करेगा। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है दोस्तों कि आपको पहले क्लाइंट को सुनना है, उसके दिमाग में किस तरह की एक्सपेक्टेशंस हैं, किस तरह का शूट वो चाह रहा है, पहले उसको समझना ज़रूरी, ना कि आप अपने आइडियाज़ उसको बताते रहे।
आपके आइडियाज़ भले ही बहुत अच्छे हों, लेकिन हो सकता है उस क्लाइंट के लिए, जिस जो क्लाइंट आपको हायर करना चाह रहा है, उस वो आइडियाज़ उसके लिए मैच नहीं करते। तो इन बातों का थोड़ा सा दोस्तों ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब जो दूसरी चीज़ है दोस्तों, वो क्या देखता है क्लाइंट एक फोटोग्राफर में, वो देखता है कि फोटोग्राफर है उसको प्रोडक्शन से रिलेटेड सारा प्रॉब्लम्स होती हैं जो, वो सब हैंडल कर सके। यानी कि क्लाइंट चाहता है कि अंडर वन रूफ उसे सारा सोल्यूशन मिले। अब क्या होता है कि बहुत सारे फोटोशूट होते हैं, चाहे आपकी वेडिंग फोटोग्राफी हो, प्री वेडिंग शूट्स हो, मॉडलिंग पोर्टफोलियोज़ हो, ई कॉमर्स का काम हो, या फिर कैटलॉग शूट हो, इस तरह का जो भी काम होता है, यहाँ पर आपको अच्छे मेकअप आर्टिस्ट लगते हैं, अच्छे हेयर स्टाइलिस्ट लगते हैं, अच्छे कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट लगते हैं, और उसके बाद जो है एडिटिंग का काम होता है, कई बार सेट भी लगाना होता है, कई बार जो लोकेशंस का भी हमें अरेंजमेंट करना होता है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, क्लाइंट ये नहीं चाहता कि वो अलग से मेकअप आर्टिस्ट को ढूंढता फिरे या अलग से किसी कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट को ढूंढता फिरे। उसके लिए काम बहुत लंबा चौड़ा टीडियस वर्क हो जाता है कि यार मैं कहाँ से जो है कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट को लाऊंगा, किस प्राइस में मिलेगा, या कहाँ मैं अच्छा एक मेकअप आर्टिस्ट ढूंढूंगा, हेयर स्टाइलिस्ट ढूंढूंगा, या लोकेशन जहाँ पे हमें शूट करना है उस लोकेशंस को हायर करने का क्या प्रोसीजर है। उसके लिए क्लाइंट के पास इतना समय नहीं होता, ना उसको उतनी नॉलेज होती है। तो वो ये चाहता है कि जिस भी फोटोग्राफर को मैं हायर करूं, भैया उसे इन सब चीज़ों के बारे में आइडिया होना चाहिए। तो अगर आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनने जा रहे हैं या आप अपने एक फोटोग्राफी बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो आपके पास में एक अच्छी खासी टीम होनी चाहिए, अच्छे मेकअप आर्टिस्ट की, अच्छे हेयर स्टाइलिस्ट की। और यहाँ पर अच्छे मेकअप आर्टिस्ट और अच्छे हेयर स्टाइलिस्ट हैं दोस्तों, वो हर बजट के आपके पास होने चाहिए। क्योंकि कई बार होता है कि क्लाइंट को बजट नहीं जमता, भाई मेकअप आर्टिस्ट हेयर स्टाइलिस्ट थोड़े ज़्यादा पैसे मांग रहा है, तो क्लाइंट कहता है भाई हमें इतना महंगा नहीं चाहिए, थोड़ा हमें सस्ते वाले मेकअप आर्टिस्ट बताओ। या क्लाइंट कहता है कि भाई ये तो बहुत ही सस्ता मेकअप आर्टिस्ट है, इसका काम भी वैसा ही होगा, तो हमें कोई एक अच्छा हाई एंड मेकअप आर्टिस्ट दिखाओ जिसके काम में जो है अच्छी फिनिश हो, जो अच्छे डिफरेंट टाइप्स की जो है मेकअप कर सके, डिफरेंट टाइप्स के हेयर को क्रिएट कर सके। और हमें कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट जो है वो ऐसा बताओ जिसके पास में कॉस्ट्यूम्स के कलर अच्छे हों, थोड़े हाई फैशन हों, या थोड़े से जो है थोड़े से डिफरेंट लगें और थोड़े से स्टाइलिश हों, ताकि फोटोशूट में वो कॉस्ट्यूम्स काफ़ी खूबसूरत लगें। तो अब आपका जिम्मेदारी बन जाती है कि आपके पास में ऐसे लोगों की टीम का, ऐसे लोगों का कि आपके पास में एक अच्छी टीम हो, उनके नंबर्स हो, कॉन्टैक्ट नंबर्स हो अलग अलग बजट के। तो यहाँ पर आपसे एक्सपेक्टेशन होती है क्लाइंट की कि भाई ये सारी चीज़ें आप उसे अरेंज करके दे दें। इसी तरह से दोस्तों, आप एक फोटोग्राफर है तो आपके पास में जो भी आपकी सिटी में आसपास या जहां भी आपको फोटोशूट के हिसाब से अच्छी लोकेशंस लगती हैं, वहां पर आप ये देखिए कि कौन सी लोकेशंस फ्री में मिल जाती हैं, कौन सी लोकेशंस के लिए पैसा देना पड़ता है। और अगर वहां पे कोई परमिशन का चक्कर है, कोई गवर्नमेंट से परमिशन है, या कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी जहाँ आप शूट करना चाहते हैं, उसका क्या प्रोसेस है, कितने रेंटल्स है उस जगह के, कितना टोटल खर्चा आता है, तो ये सब चीज़ें जो है आपको एक क्लाइंट को बतानी होती है। एक अपने जब आप क्लाइंट को एक कोटेशन देते हैं, इससे क्लाइंट को लगता है कि भाई ये फोटोग्राफर ना केवल एक अच्छा फोटोग्राफर है, बल्कि ये सारे प्रॉब्लम्स जो है प्रोडक्शन से रिलेटेड उसको भी अच्छे से सॉल्व करना जानता है। तो ऐसा जो फोटोग्राफर होता है वो क्लाइंट के लिए एक सोने पे सुहागा वाला काम करता है। भाई क्लाइंट सोचता है ठीक है, फोटोग्राफर थोड़ा एवरेज भी हुआ, तो कई बार ऐसे फोटोग्राफर को हायर कर लेता है, क्योंकि वो सारी प्रॉब्लम्स जो है वो उसकी सॉल्व करने की जो है वो ताकत रखता है। उसको सब पता होता है कि भैया कौन सा मेकअप आर्टिस्ट अच्छा है, कौन सा कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट अच्छा है, उनकी वो जल्दी जल्दी मीटिंग भी करा देता है क्लाइंट से। कॉस्ट्यूम का है तो दिखा भी देता है कि भाई इस तरह की कॉस्ट्यूम शूट में यूज़ होंगे, या इस तरह का मेकअप आर्टिस्ट है, इस तरह का हेयर स्टाइलिस्ट है, उनका ये सारा काम है। इससे आपका जो प्रोसेस है क्लाइंट का डील का वो काफ़ी फास्ट होता है, और क्लाइंट को समझने में आसानी होती है कि फाइनली जो है उसके असाइनमेंट में कितने लोग काम करने वाले हैं, कितना उसका खर्चा आने वाला है, कितना खर्चा उसका आने वाला है। तो ये सारी जो क्लैरिटी है दोस्तों, ये एक क्लाइंट को मिलना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप इस बिज़नेस में, तो आप जितनी जल्दी क्लाइंट को आप इम्प्रेस करेंगे, जितनी जल्दी आप क्लाइंट को ये भरोसा दिलाएंगे कि हाँ आप सही जगह पे आए हो, अंडर वन रूफ मैं आपको ये सारे सॉल्यूशन देने के लिए तैयार हूँ, अच्छे से मैं आपका पूरा शूट जो है एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार हूँ, तो डेफिनेटली ये क्वालिटी जो है वो काउंट करती है क्लाइंट के लिहाज से, और क्लाइंट ज़रूर आपको हायर करेगा। अब जो तीसरी क्वालिटी है जो एक क्लाइंट अपने फोटोग्राफर में देखता है दोस्तों, वो देखता है कि एक एक्स्ट्रा हेल्प वो हमेशा एक्सपेक्ट करता है अपने क्लाइंट से। अब एक्स्ट्रा हेल्प से क्या मतलब है, जब आप पिक्चर उसको एडिट करके दे देते हो, जब पिक्चर्स फाइनली आप डिलीवर करते हो, तो क्लाइंट आपसे एक्सपेक्ट करता है कि भाई आप इन इमेजेस को जो है थोड़ा रिसाइज करके दे दो, क्योंकि उसे ऐसा फोटोशॉप नहीं आती है, उसको नहीं पता कि इमेज को, बड़े इमेजेस को छोटा कैसे करना है, किस तरह से पिक्चर्स जो है इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड होती हैं या फेसबुक के ऊपर या उनकी वेबसाइट के ऊपर। तो यहाँ पर जो है क्लाइंट बहुत कन्फ्यूज रहता है, उसको लगता है कि उसने जब पिक्चर्स को छोटा किया तो पिक्चर स्ट्रेच हो गई या पिक्चर की क्वालिटी डाउन हो गई। तो यहाँ पर आपको ये जो एक्स्ट्रा हेल्प है वो आपको बिना पूछे ही आपको ऑफर करनी चाहिए अपने क्लाइंट को, उनको आपको ये भरोसा दिलाना चाहिए कि ठीक है आपका शूट हो गया, एडिट हो गया, अब आप जो इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स डालते हो या आप फेसबुक पे डालते हो, तो मैं ऑलरेडी जो है उसको उस रिसाइज करके आपको उस एक फॉर्मेट अलग से बना के दूंगा, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ पिक्चर को अपलोड करना है। तो यहाँ पर क्लाइंट के लिए बहुत बड़ी हेल्प होती है, और क्लाइंट को ये कई बार क्या होता है, क्लाइंट लाखों रुपये खर्च कर देता है शूट पर, लेकिन जब सवाल आता है कि इसको पिक्चर को वेबसाइट पर डालना है या इंस्टाग्राम पर डालना है जिसके लिए उसने शूट किया है,
या उसको अपना एक कोई ई कॉमर्स का जो है पूरा कुछ PDF फाइल बनानी है, ई फाइल बनानी है उसको, जहाँ उसको सारे डिजिटल इमेजेस जो है डालनी है, तो वहाँ पर वो कन्फ्यूज रहता है कि पिक्चर को रीसाइज कैसे करें, छोटा कैसे करें। तो यहाँ पर अगर आप ये सारी चीज़ें उसको फ्री में ऑफर करोगे तो क्लाइंट को ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट लगती है कि यार मुझे इसमें फालतू का खर्चा या टाइम डालने की ज़रूरत नहीं है, मेरा जो फोटोग्राफर है वो ये सारी हेल्प करके दे रहा है, मेरा लोगो भी उसने लगवा दिया, मेरा सारी चीज़ें उसने कर दी, इमेज को रीसाइज कर दिया, मुझे तो सिर्फ जो है पैसा खर्चा किया और मैं खाली पिक्चर्स जो है आसानी से अपलोड कर पाऊंगा अपनी वेबसाइट पे, अपने इंस्टाग्राम पे, अपने फेसबुक पेज पे। तो ये जो फ्रीबीज है ये आपको ज़रूर ऑफर करने चाहिए अपने क्लाइंट को। कई बार ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो क्लाइंट कई बार उस वजह से भी आपको हायर करता है। अब बात करते हैं दोस्तों आज के चौथे पॉइंट की, जो एक क्लाइंट अपने फोटोग्राफर में देखता है दोस्तों वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसे हम कहते हैं डिलीवरी टाइम। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि हर क्लाइंट जो है वो ये देखता है कि भैया फोटोशूट होने के बाद में मुझे इमेजेस हाथ में कब मिलेंगी। बहुत सारे फोटोग्राफर्स क्या करते हैं कि एक एक्स्ट्रा एक बहुत डिले करते हैं प्रोजेक्ट को, यानी कि उन्होंने शूट किया एक तारीख को और दे रहे हैं अगली एक तारीख को सारा काम करके, तो जो 30 दिन का टाइम होता है वो एक बहुत लंबा हो जाता है क्लाइंट के लिए। क्लाइंट की एक्साइटमेंट जो है वो पूरी फोटोशूट को लेके ख़त्म हो जाती है, और कई बार क्लाइंट और उसके बीच में इसलिए भी झगड़ा हो जाता है कि भैया क्लाइंट पिक्चर जो है वो टाइम पे नहीं मिल रही है। तो अब आपको इस बात का ध्यान रखना है, जब आप फोटोशूट लें, जब आप असाइनमेंट लें, तो आप अपने क्लाइंट को एक क्लियर कट बता दें कि कितनी इमेजेस आप उसको एडिटेड वर्जन देने वाले हो और उसमें एग्जैक्टली कितना टाइम लगने वाला है। जनरली दोस्तों 15 दिन का टाइम एक आइडियल टाइम होता है, इतना टाइम लग जाता है कई बार अगर आप एक हाई एंड रिटचिंग करके देते हो अपने क्लाइंट को। तो यहाँ पर अगर आपको 2 या 3 एडिटर्स को हायर करना पड़े, तो आप मान लीजिए आप 30 पिक्चर दे रहे हो अपने क्लाइंट को, तो भैया आप 3 एडिटर हायर कर लीजिए ताकि रोज़ एक पिक्चर 3 पिक्चर भी आपको एडिट करके आएंगी, तो 10 दिन के अंदर आप पूरा उसको डिलीवरी दे पाओगे क्लाइंट को। तो यहाँ पर आपको अपने वर्क फ्लो को कैसे हैंडल करना है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू डिलीवरी, तो डिलीवरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर होता है। अगर आपने टाइम पे डिलीवर किया अपने क्लाइंट को सारा काम, तो क्लाइंट का भी काम जो है थोड़ा स्पीड अप होता है, क्लाइंट का जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं वो, या जो भी जिस तरह के फोटोशूट जिस पर्पज़ के लिए कराया है वो उसका पर्पज़ सॉल्व होता है। अगर आप डिले करके दोगे तो होता तो ये फोटोशूट भी हो गया, क्लाइंट का मूड भी ख़राब हो गया, और एक अच्छा खासा फोटोशूट का जो एक्साइटमेंट होता है वो फिर वो एक जो है डाउन होने लगता है। और ओवरऑल क्या होता है कि भले आपने कितनी भी अच्छी फोटोग्राफी की हो, लेकिन क्लाइंट उसको एक तरह से नेगेटिव काउंट करता है क्योंकि आपने उसको डिलीवरी काफ़ी लेट करी है। तो यहाँ पे डिलीवरी टाइम का जो है दोस्तों वो आप ध्यान रखिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, हर क्लाइंट जो है आखिरी चीज़ जो एक फोटोग्राफर में देखता है वो देखता है कि भाई हमारा जो फोटोग्राफर है वो थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव हो, यानी कि एक सही बजट के अंदर आपको ये सारी डील करके देनी है। अब यहाँ पर जो है आपको बहुत स्मार्टली काम करना है। तो अगर आप क्लाइंट से पैसा ज़्यादा भी चार्ज कर रहे हैं तो आपको उसको इस तरह से बताना चाहिए कि भाई जो भी पैसा ले रहा हूँ ये ज़्यादा नहीं है क्योंकि मैं इतनी सारी आपको चीज़ें दे रहा हूँ। कहने का मतलब है कि उसको आखिर में यकीन होना चाहिए कि आप जो भी उससे फीस चार्ज कर रहे हैं वो एक ज़्यादा नहीं है, वो एक रीज़नेबल प्राइस है, और जो जो चीज़ें आप उसको ऑफ़र कर रहे हैं उस प्राइस के अंदर वो एकदम उस प्राइस को जस्टिफाई करती है। तो इससे जो है उसके दिमाग में एक शांति रहती है, एक साइकोलॉजिकल उसको रहता है कि हाँ भाई मुझे एक अच्छा फोटोग्राफर मिला और जिसने मुझे एक सही प्राइस के अंदर सही दाम में जो है पूरा फोटोशूट करके दिया। अब जो फोटोशूट की प्राइस है दोस्तों वो काफ़ी सारे वेरियस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। उसके अंदर आपके मेकअप आर्टिस्ट का खर्चा हो गया, उसमें हेयर स्टाइल्स का खर्चा है, उसमें आपके लोकेशंस का खर्चा है, उसमें आपका एडिटिंग का खर्चा है, उसमें आपके ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, उसमें आपकी जो क्लाइंट्स के साथ मीटिंग्स होती हैं चाहे वो होटल्स में हो, रेस्टोरेंट में हो, ऑफिस में हो, जो भी उन सबकी जो है कॉस्ट आती है, और एट द एंड ऑफ द डे ये सारी कॉस्ट जो है वो आपको खुद ही रिकवर करनी है। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिए कि जब आप कंप्लीट एक डील दें तो उसमें इन जो भी मैंने 5 बातों को आज आपको बताया, इन 5 बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आप एक क्लाइंट के लिए एक फेवरेट फोटोग्राफर बन सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो मैंने इतने साल काम किया है, मेरे हिसाब से क्लाइंट जो है ये सारी चीज़ें देखता है एक फोटोग्राफर में। तो आप इन पॉइंट्स पे काम कीजिए और अपने काम को थोड़ा मजबूत बनाइए, डेफिनेटली आपको फोटोग्राफी बिजनेस में सक्सेस ज़रूर मिलेगी। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो जल्दी से कर दो इसे लाइक, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को कर दो जल्दी से सब्सक्राइब। दोस्तों चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर दिया करो यार, फ्री का है, खाली एक बटन दबाना है, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मेरा कोई भी नया वीडियो आए तो आपको पता चलेगा कि आज मेरा नया वीडियो रिलीज हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ।